सर, एक अच्छे लीडर को नर्चर करने के लिए पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए। अगर हम यूएस की बात करते हैं, राइट फ्रॉम कोक, पेप्सी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेके फेसबुक, ट्विटर, एयरबीएनबी, एक के बाद एक एमएनसीज वो प्रोड्यूस कर रहा है। हमारे कंट्री में ऐसा क्या है कि हम इस तरीके के वर्ल्ड क्लास एमएनसीज नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? ये क्या लीडर, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप की लैकिंग है इस पॉइंट पे, या पर्सनल लीडरशिप जो इंडिविजुअल कॉरपोरेट्स होते हैं उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है जो यूएस के लीडर्स में है? नहीं, ये तो हमको एक घुट्टी पिला के बता दिया गया है कि जो फॉरेन है वो बढ़िया है, जो मेड इन इंडिया है वो बढ़िया नहीं है। इस माइंडसेट से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं कि वहाँ पे एमएनसी बने, किसने बनाए? वही हमारे ही, हम देखिए, गूगल को बनाने वाले कौन, 70% इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट को बनाने वाले 60% इंडियन है। कोई कॉरपोरेशन वर्ल्ड में ऐसी नहीं है जो वर्थ हो पूरे विश्व में, जहाँ पे आपके लोग नहीं हैं, जो इंडियंस नहीं हैं। सर, इंडिया में लीडरशिप क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। तो सर, वो फिर पॉलिटिकल इकोसिस्टम क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है कि उनको वहाँ जाके काम करना पड़ रहा है? और वो एक टोटल अलग विषय है, ये आज का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि यस, हमारे अंदर, हमारे यहाँ बहुत सी रिस्ट्रिक्टिव चीज़ें आज भी इकोनॉमी में हैं, जिनकी वजह से इतना जल्दी से हम कोई बड़े मल्टीनेशनल्स क्रिएट नहीं कर पाए हैं। या कई बार जो फैमिली ओन बिजनेसेस हैं वो कहीं कहीं जाके रुक जाते हैं, कहीं पे जाके वो कहते हैं यार बहुत हो गया, मुझे क्या करना है, और अपनी लेगेसी वो अगली जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। आप अगर देखें इस बात को, मैं जो कह रहा हूँ, जो 40 साल पहले जहाँ जो कॉरपोरेट्स बड़े नाम के थे, वो 40 साल पुराने कॉरपोरेट्स आज दिखते नहीं, कहीं भी टॉप 20 में नहीं आएंगे, शायद एक आध हो तो हो, क्योंकि उन्होंने कोई लेगेसी बना के नहीं छोड़ा, एक ऐसा सिस्टम बना के नहीं छोड़ा जो कि उस कॉरपोरेशन को इंस्टीट्यूशन बना के आगे तक ले जाए। और ये कोई भारतवर्ष में अकेले नहीं है, फैमिली रन बिजनेसेस सभी जगह हैं, और कई जगह दूसरा एक कल्चरल भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन अभी होने लगा, ऐसा नहीं कि नहीं है कि आज मल्टीनेशनल नहीं बन रहे हैं। आज हम अपना ही उदाहरण फिर देंगे, एसएल पैकेजिंग टुडे हम लोग वर्ल्ड लीडर हैं, 35% लोग वर्ल्ड में कहीं भी ह्यूमैनिटी में अपना सवेरे ब्रश करते हैं तो हमारी ट्यूब यूज़ करते हैं, 35% ह्यूमैनिटी के लोग। आज जी नेटवर्क हम लोग पहुंचते जा रहे हैं दूसरी भाषाओं में, रशिया में रशियन भाषा में दिखा रहे हैं, अरब में अरबिक भाषा में दिखा रहे हैं, इंडोनेशिया में भाषा लैंग्वेज में दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि लोग हैं, ऐसा हो रहा है, और आगे आने वाले समय में और भी होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। हाँ सर, लाइक यू सेड, लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड, बट टुडे एज यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क बीइंग डन इन द एरिया ऑफ लीडरशिप, be it leadership development across organizations, universities, everyone works on leadership today. There are various shows, there are a lot of talks that happen about leadership in universities, everywhere. So if leaders are not just born, if leaders are born and not made, why are we having so much being invested into this area when there is no results that are coming out of it, if leaders are just born and not made? I'd like to get your perspective on this. मैं तो देखना चाहूंगा कुछ example जो जिन्होंने leadership के ट्यूशन लेके लीडर बने हो, मुझे बताइए एक दो चार एग्जांपल। सर, लॉट ऑफ एमबीए स्कूल्स, लॉट ऑफ टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स फॉर दैट मैटर प्रोड्यूस द बेस्ट ऑफ द लीडर्स। मैं ये कह रहा हूँ कि हजारों किताबें हैं लीडरशिप के ऊपर, लेकिन वो लीडरशिप को मिस जज करते हैं, मिस लीड कर रहे हैं। हाउ टू बी सक्सेसफुल को लीडरशिप मान लिया गया, सक्सेसफुल कैसे होना, कामयाब कैसे होना, उसको लीडरशिप मान लिया। अरे सो एंड सो इज लीडर इन टू दिस फील्ड, भाई वो सक्सेसफुल हैं उस बिजनेस में, इसलिए वो दूसरों से आगे चल रहे हैं। सक्सेस और लीडरशिप को मिक्स करते हैं लोग, तब मुसीबत है। आई नो के ये इस बात को कहने में बड़ा फ्लैग मिल सकता है फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम एजुकेशनिस्ट, लेकिन मेरा फर्म बिलीव है
कि लीडरशिप के लिए आपको यू शुड हैव टैलेंट एंड टैलेंट इज ओनली बाय बर्थ एंड इट कैन नॉट बी एक्वायर्ड. सर, एज वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन I would like to ask from your prior experience and knowledge, whom do you think from prior history till today as an effective and efficient manager or a leader, according to you? Historically, dekhe to Vikram Sarabhai gave a very big leadership. Inhone space industry mein unhone leadership create ki. Us samay koi ye vishwas nahi kar sakta tha ki Hindustan mein space research itni aage badhegi aur world ke barabar pahunchegi. उस व्यक्ति ने बड़ा लीडरशिप क्वालिटी दिखाए. जितने साइंटिस्ट थे, आज भी मैं कुछ लोगों के संपर्क में रहता हूं, वो लोग आज भी विक्रम साराभाई को नाम से याद करते हैं कि उन्होंने लीडरशिप दी. जबकि वो खुद कोई, उन्होंने प्रैक्टिस किया साइंस, उन्होंने रिसर्च प्रैक्टिस किया, लेकिन क्वालिफिकेशन से वो इतने क्वालिफाइड नहीं थे कि वो लीड कर सकें उस रिसर्च को. बड़ा एग्जाम्पल है. आज आजिम प्रेम जी हैं हमारे विप्रो के, very good example. He is leading not only his organization very well, but he is also taking into consideration ke samaj ko kya diya jaye, desh ko kya diya jaye, gareeb logon ke liye kya cheez karni chahiye. Abhi unhone filhal pichle dinon, kyunki unko agar mujhe nahi pata aap mein se kitno ko malum hai, unka GE ke sath ek joint venture jisme ye log मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं हिंदुस्तान में. तो ईसीजी एक मशीन होती है आपकी मेजर करने के लिए, वो मशीन की कीमत कम से कम $5,000 यानी 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए मशीन की कीमत है. मशीन भी बड़ी होती है, डॉक्टर ही चला सकते हैं, ट्रेंड आदमी उसको चला सकते हैं. एक समस्या थी, उनको लगा कि रूरल इंडिया में जबकि एक आम आदमी अपना ईसीजी कैसे ले सके, उसके लिए 6 साल में उन्होंने अभी मशीन लॉन्च की है, 3 महीने पहले 4 महीने पहले. पोर्टेबल छोटी मशीन है, कोई भी आदमी यूज़ कर सकता है, कहीं भी कर सकता है. बिजली नहीं है तो बैटरी से भी कर सकता है. ईजाद की गई यहाँ के लिए, भारतवर्ष के लिए. अब उसकी डिमांड सब जगह से आ रही है. तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत जगह हैं, ऐसा नहीं है. आज हमने, आपने, सब ने मिल के आज 15-17 साल के बाद भारतवर्ष में एक सिंगल पार्टी को हमने पॉलिटिकल मैंडेट दे के बिठाया है. क्यों लगा? क्योंकि एक हमको लगा कि एक उस लीडर में कुछ जान है, कुछ क्वालिटी है जो हमारी एस्पिरेशन पूरी कर सकेगा. और लीडर आप में से, यहाँ बैठे हुए अगर आप 200-300 लोग बैठे हैं, आप में से 50 लोग लीडर बनने वाले हैं. अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है. हमारे अंदर हर एक आदमी के अंदर टैलेंट्स हैं, किसी में टैलेंट लीडर बनने का तो किसी में अच्छा परफॉर्मर बनने का. और मैं यही कहता हूं आपसे, अपने आप को पहचानेंगे और पहचानने के बाद उस पर विश्वास करें, भरोसा करें, आगे ज़रूर बढ़ेंगे, कामयाब ज़रूर होंगे. इसके साथ ही आज का ये चीज़ यहाँ पे रोकते हैं, विश्राम देते हैं. होप टू सी यू अगेन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.